श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल सही और स्वस्थ होंगे। तो हर हर महादेव, आज बहुत ही खास उपाय लेके आई हूँ। नज़र दोष, नज़र दोष ऐसी लग जाती है घर में, हमारे तंत्र मंत्र ऐसा हो जाता है जिसके कारण हम बहुत ही परिश्रम करते हैं, बहुत ही कर्म ऐसे करते हैं कि घर में धन लक्ष्मी का वास हो जाए, या पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा करते हैं और उसके बावजूद भी हमारे घर में धन लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं रुकती और हम बहुत ही ज़्यादा आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे होते हैं कि धन की प्राप्ति बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाती। तो ऐसे में हम क्या करें? हमारे घर में बिल्कुल ही कले कलेश शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, धन का आगमन नहीं हो पाता। जो धन भी अगर आ रहा होता है उसका भी स्रोत एकदम बंद होने लगता है। तो ऐसी नज़र दोष लग जाती है, ऐसा तंत्र मंत्र कोई कर देता है, हमें नहीं पता चलता कि हमारे अपने कर रहे हैं या हमारे कोई दुश्मन कर रहे हैं या हमारे आस पड़ोस में हो रहा है या ऐसा क्या हो गया जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हम उठा रहे हैं, या तंत्र मंत्र हो गया, कुछ भी समझ नहीं आता, दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। नेगेटिव भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि एकदम ही हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, इंटरव्यू नहीं क्लियर होता, या नौकरी में मन नहीं लगता, वहाँ पे कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, या हमारे घर में बिजनेस चल रहा होता है वो एकदम रुक जाता है, ठप हो जाता है, घर में पैसा आता है वो कर्जे में निकल जाता है, दवाइयों में निकल जाता है। ऐसी बहुत सी समस्या जो कि जिससे हम बहुत ज़्यादा घिरे हैं और ऐसा संघर्ष हो रहा है, उसके बावजूद भी हम बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहे कि हम ऐसा क्या करें। तो आज ऐसे ही कुछ खास उपाय बताऊंगी जिसके कारण आप अपने घर में धन लक्ष्मी को रोक सकते हैं, घर में धन लक्ष्मी के स्रोत खुल जाएंगे, आपके घर में धन लक्ष्मी आनी शुरू हो जाएगी। तो इस खास उपाय को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी दोस्त मेरे पहले बारी आते हैं चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन बटन के साथ, कि आने वाले हर एक खास उपाय आपको सबसे पहले मिलते रहें वीडियो नोटिफिकेशन के साथ में। और जिन्होंने कर रखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक पहले कर लें और फिर वीडियो को पूरा सुने, वीडियो को आधा अधूरा ना सुने, जिससे कि ज्ञान आपको पूरा नहीं मिलेगा, मार्गदर्शन पूरा नहीं हो पाएगा और आप अपनी समस्या से परेशान रहेंगे। अगर आप इसमें से कुछ भी खास उपाय एक दो भी कर लेंगे ना, तब भी आपकी ज़िंदगी और जीवन में बहुत सा बदलाव आ जाएगा। नींबू और मिर्च, नींबू और मिर्च आपने सुना ही होगा और अक्सर आपने घरों के बाहर टंगा भी देखा है और दुकानों के बाहर भी टंगा हुआ देखते हैं। और हमारी ये सोच भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी मान्यता है कि नींबू और मिर्च को घर और मकान के बाहर दुकान के टांग देते हैं तो उससे हमारे घर में दुकान में नज़र दोष नहीं लगती, नज़र नहीं लगती, हमारा व्यापार व्यवसाय अच्छा चलता रहता है और सब कुछ अच्छा होता है। तो हाँ जी, ऐसा ही होता है, अच्छा ही चलता है और नज़र दोष भी नहीं लगती, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नज़र दोष हो जाती है और हमें पता नहीं चलता। तो आज ऐसे ही कुछ बताऊंगी उपाय कि आप नींबू और मिर्च भी बहुत ज़्यादा टांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं कामयाबी हाथ लग रही और धन लक्ष्मी बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो आपके घर में जैसे तंत्र मंत्र किया कराया, आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, तब आपने करना क्या है कि घर में आप एक नींबू ले लें, लेके आप उसे पूरे घर में नींबू को घुमा लें, घुमा के किसी भी चौराहे पे या किसी भी सुनसान जगह पर ले जाके वो नींबू वहाँ पर छोड़ दें। जब आप इसे छोड़ने लगे तभी आप इसे बिल्कुल भी मुड़कर ना देखें और घर आ जाएं और हाथ मुंह धो के बैठें। जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो एकदम, जो किया कराया तंत्र मंत्र किया कराया वो एकदम दूर हो जाता है। और जब आप उसे फेंकने लगे ना, तभी आप उसे टुकड़ों में चार हिस्सों में करके उस नींबू को चारों दिशाओं पे फेंक के फिर आए, चार दिशाओं पे फेंकना है उन सारे टुकड़ों को, और चार टुकड़े में कर लेना है। और पहले आप पूरा नींबू पूरे घर में घुमा लें, घुमा कर चाकू के साथ वहाँ पर जाएं, उससे चाकू लोहा आपके साथ रहेगा, आपको कुछ होगा भी नहीं, साथ ही साथ आप उस नींबू के चार टुकड़े कर पाएंगे, चार टुकड़े करके चारों दिशाओं पे फेंक के चौराहे के बीच में खड़े होके चारों सड़क पे फेंक के और चुपचाप आ जाएं, बिल्कुल भी पलट के ना देखें। पहला उपाय कि तंत्र मंत्र किया कराया बिल्कुल दूर हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके घर में
मान लो बहुत ज़्यादा किया किराया है और बहुत ज़्यादा परेशान है, या आपकी दुकान पे बहुत ज़्यादा किया किराया है, आपके ग्राहक नहीं आ रहे, तब आपने करना क्या है, एक नींबू के ऊपर 3 लौंग लगा देनी है और दाहिने तरफ आप उस नींबू को टांग दें। किसी भी मंगलवार के दिन ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय कर देते हैं घर पे या दुकान पे, तो आपके घर में जो भी बरकत है वो एकदम होने लगेगी, नेगेटिव ऊर्जा को वो सोख कर लेगा, क्योंकि नींबू ऐसी एक चीज़ है जो कि तंत्र मंत्र में भी काम आता है और हमारे घरों में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें ऐसी पावर शक्ति होती है कि ये नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी सोख करता है। तो इसलिए नींबू को अगर बाहिने की तरफ 3 लौंग लगा के आप टांग देते हैं, तो आपकी दुकान और मकान में कभी तंत्र मंत्र नहीं होगा, कोई कितना भी करेगा उसका कोई असर नहीं होगा, नेगेटिव चीज़ें एकदम सोख कर लेगा। और अगर आपके ग्राहक कम आ रहे हैं तो आपके ग्राहक भी आने शुरू हो जाएंगे, दुकान जो रुकी है, जो ठप पड़ी है, वो एकदम चलनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से दुकान या ऑफिस में करें, और घर पे अगर करते हैं तो घर में धन वर्षा होने लगती है, धन रुकना शुरू हो जाता है। तीसरा उपाय क्या है कि अगर हम नींबू से, अगर हमें कोई दिक्कत है, पेट में कोई दिक्कत है, या हमें गैस बन रही है या एसिडिटी बन रही है ज़्यादा, तो अगर आप ऐसा करें कि नींबू और नमक लेके आप उसे खा सकते हैं, डिसोक वाटर भी बना सकते हैं, कि रात में एक जग ले लें, मतलब एक गिलास पानी ले लें, उसमें नींबू छोड़ दें, काट के नींबू को छोड़ दें, और सुबह वो पानी पीते हैं तो आपका पेट बिल्कुल साफ़ रहेगा, पेट में जो गैस बनती है वो भी नहीं रहेगी, और पूरा दिन आपको एनर्जी फील होगा। ऐसा करने से नींबू सिक्के बहुत फ़ायदे हैं। अगर हम खाने में भी डालते हैं तब भी हमें नींबू बहुत ही अच्छा स्वाद देता है। ये तो रही खाने की बात, और हमें इसे मतलब पी के और बहुत ही अच्छा एनर्जी फील होता है इसका पानी, अगर डिसॉक वाटर बना के हम पीते हैं तो ये रहा। और अगर आपके घर में वास्तु दोष है, बहुत ही ज़्यादा वास्तु दोष है, हमें नहीं पता कि हमारा बेड कहाँ लगा, हमने कहाँ पे क्या सामान रखा है, हमारा मतलब टेबल कहाँ रखा है पढ़ाई का, या हमने जो भी है सारा सामान इधर उधर है, हमें नहीं मालूम कि हमारे घर में वास्तु दोष के हिसाब से घर कैसे बना है, या हमने ख़रीदा है घर, या हमारा पहले से बना बनाया था, तो उसका वास्तु दोष दूर करने के लिए आपने करना क्या है कि घर में एक नींबू का पौधा लगा लें। घर के बीचों बीच, आंगन के बीचों बीच में अगर नींबू का हम पौधे अगर एक गमले में लगा के रख देते हैं, तो हमारे घर का जो भी वास्तु दोष है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, वो एकदम शोक कर लेगा और आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा देने लगेगा। नींबू हमेशा लगाने से वास्तु दोष घट जाता है, साथ ही साथ हमारे घर में धनलक्ष्मी आने लग जाती है, और जो भी हमारे काम रुके होते हैं वो कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। तो नींबू का पौधा बहुत ही ज़्यादा शुभदायक होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें इतनी पावर होती है, नेगेटिव ऊर्जा को भी शोक कर लेता है और धन लक्ष्मी भी आती है घर में, और पॉजिटिव ऊर्जा छोड़ना शुरू कर देता है, साथ ही साथ घर में पॉजिटिव एनर्जी बना के रखता है। और हमारे घर में जब भी आप लगाएं, या तो बीचों बीच लगाएं, या तो इसे पूर्व या ईशान कोण की जगह पर लगा सकते हैं इस पौधे को। अगर जड़ पे लगाते हैं तब भी बहुत अच्छा है, अगर जड़ से नहीं लगाते तो आप गमले में लगा सकते हैं, अगर आपके पास गार्डन नहीं है तो गमले में लगाएं। और अगर बहुत ही ज़्यादा किसी के ऊपर ऊपरी हवा का ऊर्जा है और बहुत ज़्यादा वो परेशान व्यक्ति रहता है या बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तब आपने करना क्या है, इसकी जड़ का थोड़ा सा मिट्टी ले लेना है, लेके और आप थोड़ी सी इसकी जड़ का एक सूत ले लें और थोड़ी मिट्टी ले लें, लेने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर आपने घुमा लेना है, घुमा के उसे किसी भी चौराहे पे या किसी भी सुनसान जगह पर ले जाके तुरंत ही छोड़ दें। ये जब भी करें तब आप मंगलवार के दिन करें। ऐसा कर देने से उस व्यक्ति के ऊपर जो भी बाधा होगी, जो भी परेशानी, नेगेटिव चीज़ें होंगी, वो एकदम दूर हो जाएगी और आपके बिल्कुल वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे करके, और आपने ऐसे 5 से 7 वरी कर देना, अगर एक वरी में आराम ना आए तो, नहीं तो ये जो भी नुस्खा बताया आपको जड़ का और मिट्टी का, वो एकदम ही एक दिन में ही आराम आ जाएगा, जो भी किया कराया होगा, कोई भी बाधा होगी, वो एकदम शरीर पे से हट जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा हो जाएगा, और वो व्यक्ति बहुत ही अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी फील करना शुरू कर देगा। तो अगर आपके घर में अगर बहुत ही ज़्यादा धनलक्ष्मी का वास नहीं होता,
तब आपने करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्थिक समस्या से आप गुजर रहे हैं, तो आप इस पौधे को अपने घर में लगा सकते हैं। इससे आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लगेगा। अगर आप पौधा नहीं भी लगा पा रही हैं, तब आपने करना क्या है, अगर कहीं पे नींबू का पौधा मिल जाए तो उसकी एक थोड़ी सी जड़ को निकाल लें। निकालने के बाद उसे गंगा जल से धो लें। धोने के बाद आप वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी भी ले आएँ और ला के उस जड़ को सुखा लें अच्छे से। जब वो सूख जाए तब आपने उस व्यक्ति को पहनाना है, जो व्यक्ति आपके घर में मुखिया होता है, जो कमा के लेके आता है, उस व्यक्ति को वो जड़ सुखा के एक लाल कपड़े में बांध के उसका तावीज़ करके आप उसे गले में धारण कर सकते हैं। अगर ये धारण कर देते हैं तो इसकी जड़ इतनी कामयाब है कि ऑटोमेटिक आपके घर में धन का स्रोत खुल जाएगा और वो व्यक्ति इतना कमाना शुरू हो जाएगा। अगर व्यवसाय में उसको घाटा लग रहा है या उसके व्यापार में या उसको बिल्कुल भी नौकरी नहीं लग रही है, तो एकदम तरक्की होने शुरू हो जाएगी और व्यापार में भी और नौकरी में भी, और धन वर्षा एकदम होने लगेगी। धन की एकदम आगमन खुल जाएगा और स्रोत खुल जाता है ऐसा जड़ को पहन लेने से। अगर जो साथ में मैंने जड़ के साथ में जो मिट्टी बोली थी, उस मिट्टी का क्या करना है, उस मिट्टी का आपने लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख लेना है और थोड़ी सी उसमें एक सूत जड़ भी डाल लें। ऐसा करने से अगर आप रख देते हैं, माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है और आपके घर में तुरंत ही धन लक्ष्मी का वास होने लगेगा। माता लक्ष्मी भी खुश होती हैं। बहुत ज़्यादा अगर किया कराया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तब आपने करना क्या है, रात को 11 से 12 बजे तक के बीच में आपने अपने घर में घुमा लेना है एक नींबू को, और साथ में अपने ऊपर से सातवरी उतार लेना है, और आप किसी भी सुनसान जगह पर ले जाके उस नींबू को रात को ही तुरंत छोड़ दें दो हिस्से में करके। ऐसा कर देने से आपके ऊपर की जो बाधा है, जो किया कराया तंत्र मंत्र या आपकी जो कमाई रुक गई है, जो भी दोस्त मेरे पहले बारी आते हैं चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन बटन के साथ, कि आने वाले हर एक खास उपाय आपको सबसे पहले मिलते रहें वीडियो नोटिफिकेशन के साथ में। और जिन्होंने कर रखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक पहले कर लें और फिर वीडियो को पूरा सुने, वीडियो को आधा अधूरा ना सुने, जिससे कि ज्ञान आपको पूरा नहीं मिलेगा, मार्गदर्शन पूरा नहीं हो पाएगा और आप अपनी समस्या से परेशान रहेंगे। अगर आप इसमें से कुछ भी खास उपाय एक दो भी कर लेंगे ना, तब भी आपकी ज़िंदगी और जीवन में बहुत सा बदलाव आ जाएगा। नींबू और मिर्च, नींबू और मिर्च आपने सुना ही होगा और अक्सर आपने घरों के बाहर टंगा भी देखा है और दुकानों के बाहर भी टंगा हुआ देखते हैं। और हमारी ये सोच भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी मान्यता है कि नींबू और मिर्च को घर और मकान के बाहर दुकान के टांग देते हैं तो उससे हमारे घर में दुकान में नज़र दोष नहीं लगती, नज़र नहीं लगती, हमारा व्यापार व्यवसाय अच्छा चलता रहता है और सब कुछ अच्छा होता है। तो हाँ जी, ऐसा ही होता है, अच्छा ही चलता है और नज़र दोष भी नहीं लगती, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नज़र दोष हो जाती है और हमें पता नहीं चलता। तो आज ऐसे ही कुछ बताऊंगी उपाय कि आप नींबू और मिर्च भी बहुत ज़्यादा टांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं कामयाबी हाथ लग रही और धन लक्ष्मी बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो आपके घर में जैसे तंत्र मंत्र किया कराया, आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, तब आपने करना क्या है कि घर में आप एक नींबू ले लें, लेके आप उसे पूरे घर में नींबू को घुमा लें, घुमा के किसी भी चौराहे पे या किसी भी सुनसान जगह पर ले जाके वो नींबू वहाँ पर छोड़ दें। जब आप इसे छोड़ने लगे तभी आप इसे बिल्कुल भी मुड़कर ना देखें और घर आ जाएं और हाथ मुंह धो के बैठें। जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं